हाय फ्रेंड्स, मैं सारिका, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप कि मेरे पास थोड़े से नीम के पत्ते हैं। जी हाँ, ये कड़वी नीम है, तो ये बहुत आसानी से मिल जाएंगे ये नीम के पत्ते। तो आज हम इन्हीं से, इन नीम के पत्तों से कीटनाशक बनाना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, इससे बना हुआ जो कीटनाशक होता है उसे आप किसी भी तरह के पेड़ पौधों में स्प्रे कर सकते हैं और आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। नीम के पत्तों से कीटनाशक कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले मैंने इन्हें, इन पत्तों को धोकर वॉश कर लिया है और यहाँ पर आप देखेंगे इनके ऊपर डस्ट लगी होती है, उन्हें मैंने साफ़ कर लिया और अब इन्हें मैं पानी में लेकर उबाल लूँगी। तो यहाँ पर एक बर्तन लिया हुआ है, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी लिया है और पानी में मैंने इन नीम के पत्तों को डाल दिया। तो फ्रेंड्स, आप नीम के पत्तों के हिसाब से पानी ले सकते हैं। अगर आपके पास नीम के पत्ते ज़्यादा हैं तो आप पानी थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो ये मैंने डाल दिया है और अब इसे मैं थोड़ी देर के लिए उबाल लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे नीम के पत्ते उबल चुके हैं और आप देखेंगे कि जो पानी हमने ऐड किया था उसका कलर भी चेंज हो गया है। ये देखेंगे पानी भी बिल्कुल हरा हरा सा हो गया है। तो नीम के पत्तों की जो कड़वाहट होती है वो पूरा पानी में आ जाती है। तो ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, नीम के पत्तों को इन्हें अभी हम ठंडा कर देंगे और उसके बाद हाथ से अच्छे से निचोड़कर इसका पानी हम निकाल लेंगे। आप चाहें तो छन्नी से भी छान सकते हैं इसे। तो ये देखिए, ये जो हमारे पास पानी बचा हुआ है यही हमारा नीम का कीटनाशक है जिसका स्प्रे करने में हम यूज़ करेंगे। ये देखिए, आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड कर सकते हैं, फ़िलहाल मैंने थोड़ा भी पानी इसमें ऐड नहीं किया है। और अब ये देखिए, मेरे पास है स्प्रे बॉटल और इस बॉटल में मैं अपना कीटनाशक भर दूंगी। और फ्रेंड्स, आप ध्यान रखिए कि आप इन्हें हर तरह के पौधों में स्प्रे कर सकते हैं, किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है और जो कीड़े होते हैं छोटे छोटे से वो सभी भाग जाते हैं, इससे दूर हो जाते हैं। तो ये मैंने डाल लिया स्प्रे बॉटल में पूरा कीटनाशक और इस कीटनाशक को आप एक दो चार दिन भी आसानी से रख सकते हैं और लगातार आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। तो चलिए, इसे मैं स्प्रे कर लेती हूँ। मेरे पास ये सेम का प्लांट है, आप देख सकते हैं कि कितना बुरी तरह से ख़राब हो रहा है और कीड़े भी ऐसे हैं जो मुझे दिखाई ही नहीं देते हैं। बहुत छोटे छोटे कीड़े होंगे और ये देखिए बिल्कुल दिखाई नहीं देते हैं और पत्तों को ख़राब कर रहे हैं। इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है जिन्हें खा जाते हैं कीड़े। तो इसमें मैं स्प्रे कर दूँगी। नीम का स्प्रे प्लांट्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और कीड़ों से बचाता ही है ये। तो इस तरह से आप स्प्रे कर दीजिए प्लांट को, ऊपर नीचे पत्तों में आपको स्प्रे करना है। और ये देखिए, मिली बग भी अटैक करते हैं हिबिस्कस में, इनमें भी आप आसानी से स्प्रे कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ एक बार स्प्रे नहीं करना है, आप लगातार दो तीन बार स्प्रे दो तीन दिन तक कंटिन्यू आप करते रहिए, तभी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, तो फ्रेंड्स आप भी अपने घर पर बनाइए बहुत आसानी से इस तरह का कीटनाशक। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।